अयोध्या में जहां एक तरफ श्रीराम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब भगवान श्री कृष्ण के इतिहास को दुनिया के सामने रखने की तैयारी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में डूबी हुई है। अब ऐसी व्यवस्था होने जा रही है जिससे आप अपनी आंखों से उस नगरी के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल गुजरात सरकार द्वारका में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिसके तहत समुद्र में 300 फीट गहराई में सबमरीन भेजा जाएगा और इसमें लोग सवार होकर कान्हा की द्वारका नगरी के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने प्री वाइब्रेंट समिति के तहत MOU साइन किया है। इस प्रोजेक्ट का आधिकारिक ऐलान वाइब्रेंट समिट के दौरान किया जाएगा। टूरिज्म मंत्री मोलू भाई बेरा ने इस संबंध में जानकारी दी है। अभी वाइब्रेंट के पहले जो प्री वाइब्रेंट का MOU हुआ है, उसमें एक सबमरीन प्रोजेक्ट का भी MOU किया है द्वारका के पास। वो प्रोजेक्ट आने वाला है, 150 करोड़ का वो रोकाण करेंगे और उस 300 फुट समुद्र में वो नीचे जाएगी और समुद्र की दरियाई सृष्टि वगैरह टूरिस्ट देख सके, ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो आने वाला है। और वाइब्रेंट के समय में उनका डिटेल ज्यादा डिक्लेयर करेंगे, जाहिर करेंगे। एक बड़ा प्रोजेक्ट देश में पहली बार गुजरात और द्वारका में आ रहा है। मुलू भाई बेरा ने बताया कि एक बार में कितने लोग सफर कर सकेंगे और इसमें कितना समय लगेगा। 30 लोग जा सकेंगे और 2 घंटे की कर सकेंगे, दो घंटे का समय लगेगा। गौरतलब है कि गुजरात पर्यटन द्वारका का समग्र विकास कर रहा है। इसी उद्देश्य से द्वारका कॉरिडोर और द्वारका पर्सपेक्टिव योजना पर काम चल रहा है, जिसका एक हिस्सा है सबमरीन के जरिए लोगों को द्वारका नगरी दिखाने का ये प्रोजेक्ट। इससे पर्यटन के काफी हद तक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।